I've been a throw up the sex in a I've been a throw up the sex in a I've been a throw up the sex in a I've been a throw up the sex in a तो ये है वो वायरल रील। और अब अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तुमने ये वाली रील भी देखी है। सो दिस इज अ रील व्हिच आई पोस्टेड अराउंड 1 ईयर अगो एंड दिस रील करंटली हैज मोर देन 9.7 मिलियन व्यूज। 9,735,892 टू बी एग्जैक्ट राइट नाउ। तो अब तुम्हें जानना है कि ऐसी वायरल रील कैसे बनाते हैं, बट उसके पहले तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि रील मैंने कैसे बनाई थी। तो हुआ क्या था कि यार, मैं खुद एक बार एक कपड़ों की दुकान में विमेंस के ट्रायल सेक्शन के बाहर खड़ा हुआ था, जहाँ पे मेरे जैसे 4-5 और लॉन्डे खड़े थे जो मेरे ही दुख बांट रहे थे, और उनका दुख मैंने दुनिया से बांटने के लिए उनकी बस एक वीडियो बना ली और सोचा कि ये दर्द मैं उनका बांटूंगा इनकी वीडियो स्टोरी पे डाल के। और उस टाइम पे गाना चल रहा था जैक हार्लो का फर्स्ट क्लास, तो मैंने उस पे बस एक छोटी सी वीडियो टाइप चीज बनाई और उस वीडियो टाइप चीज को मैंने अपनी स्टोरी पे डाल दिया और उस स्टोरी पे आए पूरे 21 लाइक्स। तो भाई मेरे को लगा कि यार अब तो इसकी रील बनानी पड़ेगी बिकॉज मेरे को फेमस होना और बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिल चुकी है। तो फिर मैंने उसकी रील बना के डाल दी और फिर उस रील पे एक हफ्ते में पूरे 1225 व्यूज आए और अब तो मैं भी मूव ऑन कर चुका था। और पता नहीं कहाँ से एक हफ्ते बाद उस वीडियो पे अपने आप लाइक्स आना शुरू हो गए रैंडम अकाउंट्स के, और थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। एंड देन दैट रील ब्लू अप। तो उस एक हफ्ते बाद उस स्टोरी पे रैंडम लाइक्स वगैरह जो आने शुरू हुए और उसके स्टैट्स बढ़ना शुरू हुए, शेयर्स, स्टोरी शेयर्स, सेव्स एंड ऑल ब्लो अप होना शुरू हुए और फिर कभी रुके ही नहीं, और आज तक स्टोरी रैंडम रीशेयर्स और आते रहते हैं। एंड दीज आर द करंट स्टैट्स ऑफ दिस रील। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। सो नाउ द सीक्रेट टू मेक अ वायरल रील इज, मुझे नहीं पता भाई, बट मुझे ये पक्का पता है कि ये तुक्का नहीं था बिकॉज मैंने इसके बाद एक और रील भी डाली है सेम ही कंसेप्ट पे जिसपे 2.5 मिलियन व्यूज हैं। बट मुझे ये पता है कि मैंने क्या क्या चीजें करी हैं जिसकी वजह से शायद ये सब कंटेंट चल गया। अब इन दोनों रील्स में ना कुछ चीजें कॉमन थी जिसकी वजह से शायद वायरल हो गई। पहली चीज थी कि ये रिलेटेबल टाइप कंटेंट था जो लोग शेयर या सेव कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कोई हैशटैग यूज नहीं किया और सिंपल एक 3 वर्ड की कैप्शन लिखी है दोनों में। और तीसरा, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट और शायद काम करा होगा, वो ये है कि मैंने जो म्यूजिक है वो इंस्टाग्राम ऐप से ही यूज किया, ना कि प्रीलोडेड किसी सॉफ्टवेयर में पूरी रील बना के विद म्यूजिक अपलोड किया। तो मे बी इसमें से कुछ काम कर गए। बट तुम्हारी रील वायरल होने का एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, और वो ये होता है कि तुमने जो भी गाना चूज किया है अपनी उस रील में, अगर वो गाना तुम्हें कहीं से भी थोड़ा भी पसंद है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए रुइन होने वाला है। मेरे को जैक हार्लो का फर्स्ट क्लास थोड़ा पसंद था तो मैंने उस रील में यूज कर लिया, लेकिन अब मैं वो गाना नहीं सुन सकता, मेरी प्लेलिस्ट से हट चुका है। और बस एक यही चीज सिखाऊंगा तुम्हें कि अगर तुम एक वायरल रील बनाने का सोच रहे हो, तुम्हारे पास आइडिया है, तो प्लीज अपना कोई पसंदीदा गाना वगैरह मत यूज करना, क्योंकि अगर तुम्हारी रील वायरल हो गई तो तुम्हारा भी वो गाना